नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर विश्व समुदाय करे कार्रवाई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों देशों के बीच व्यापार, संचार और स्टार्टअप समेत छह क्षेत्रों में करार। प्रधानमंत्री ने सियोल शांति पुरस्कार की राशि नमामि गंगे फंड को की समर्पित। ग्रामीण भारत के विकास के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नई तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर। नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 18वें स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, गरीबों की सेवा के लिए युवा करें समय और संसाधन का इस्तेमाल। दो दिन की एटीएस रिमांड पर भेजे गए सहारनपुर से पकड़े गए जैश ए मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकी, दोनों के कब्जे से जिहादी चैट और वीडियो के अलावा जिंदा कारतूस और हथियार बरामद। जैश के लिए आतंकियों की भर्ती करने का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय संस्था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। पेरिस में हुई बैठक में कहा, आतंकी फंडिंग रोकने में नाकाम रहा पाकिस्तान। जून और अक्टूबर में होने वाली बैठक में दोबारा होगी समीक्षा। और सरकार की सलाह से बीसीसीआई करेगा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने का फैसला। आईसीसी को पत्र लिखकर आतंक को पनाह देने वालों के साथ ताल्लुक नहीं रखने की अपील। आईपीएल के उद्घाटन समारोह का पैसा पुलवामा शहीदों के परिवार वालों को देने का ऐलान। और खबरों में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण कोरिया दौरे की। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण कोरिया यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय भी बातों से आगे बढ़कर कुछ समस्या के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई करे। दक्षिण कोरिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मीडिया, स्टार्टअप्स, पुलिस तथा अन्य क्षेत्रों में 6 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। पहला समझौता कोरियाई राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और गृह मंत्रालय के बीच हुआ। यह समझौता दोनों देशों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के क्षेत्र में किया गया है। दूसरा समझौता राजकुमारी सूरी रत्ना यानी रानी हूर हुआंग ओक की याद में संयुक्त टिकट जारी करने के लिए हुआ। वो अयोध्या की राजकुमारी थी जो कोरिया आई थी, फिर उन्होंने किंग किम सूरो से विवाह कर लिया था। बड़ी संख्या में कोरियाई लोग उनके वंशज होने का दावा करते हैं। दोनों पक्षों ने निवेश, मीडिया, सड़क एवं परिवहन के क्षेत्र में ढांचागत विकास जैसे अनेक अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हस्ताक्षर किए। हमारे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $50 बिलियन तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति अपना कमिटमेंट दोहराया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट डेवलपमेंट, मरीन और फूड प्रोसेसिंग, स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जैसे सेक्टर्स में हम अपना सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं। हमारी बढ़ती सामरिक साझेदारी में रक्षा क्षेत्र की अहम भूमिका है। इसका एक उदाहरण भारतीय थल सेना में K-9 वज्र आर्टिलरी गन के शामिल होने में देखा जा सकता है। रक्षा उत्पादन में इस उल्लेखनीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन पर एक रोडमैप बनाने के लिए भी सहमति की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने और आतंकवाद के खिलाफ साथ देने के लिए राष्ट्रपति मून का आभार जताया। राष्ट्रपति मून के संवेदना और समर्थन के लिए, उनके इस संदेश के लिए, और अभी भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मैं इसके लिए हृदय से उनका
आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद के खिलाफ अपने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भारत के गृह मंत्रालय और कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के बीच संपन्न हुआ एमओयू हमारे काउंटर टेररिज्म सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। पिछले 4 सालों में दक्षिण कोरिया और भारत के बीच व्यापार संबंधों में काफी इजाफा हुआ है। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरिया गणराज्य की ये दूसरी यात्रा है। दक्षिण कोरिया में भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप पूंजी और तकनीक की भरमार है, वह भी सस्ती कीमत पर और कई बार बहुत ही कम कीमत पर। लेकिन उसके लिए जरूरी संबंध विकसित करने होंगे और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी कोरिया यात्रा ने उस संबंध को आगे बढ़ाया है और भविष्य में भी इसे जारी रखना होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देने तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण कोरिया के सियोल में शुक्रवार को 2018 का प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन ने प्रदान किया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल शुक्रवार को ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान देने और वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 के प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लोगों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की सोच की स्वीकृति है। is a recognition of the philosophy that has given the message of Vasudhaiv Kutumbakam, which means the entire world is one family. The award is for the culture that has given the message of peace even on the battlefield, as Lord Krishna gave the teachings of Bhagavad Gita during the battle in the Mahabharata. This award is for a land where we are taught Om Dayo Shanti, Brahma Shanti, Sarvagham Shanti, Shanti, Evam Shanti, सामा शांति एदि ओम शांति शांति शांति। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार में मिली राशि को नमामि गंगे परियोजना को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास की कहानी न सिर्फ हमारे लिए अच्छी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। एंड आई एम ऑनर्ड दैट दिस अवार्ड इज बीइंग कन्फर्म्ड ऑन मी इन द ईयर दैट वी सेलिब्रेट the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. I would like to contribute the monetary award of $200,000 that 1,30,00,000 rupees to the Namami Gange Fund. Our efforts to clean a river that is not only held sacred by all the people of India, but is also an economic lifeline to millions of my countrymen and women. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कफी अन्नान, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जैसी जानी मानी हस्तियां और संगठन ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ये पुरस्कार 1990 से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में विकास के लिए दिया जाता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कोरिया ने पुलवामा हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। प्रेसिडेंट मून जे इन,
strongly condemned the Pulwama attack as a terrorist attack, and he had earlier written a letter to the Prime Minister expressing his support and solidarity on the fight against terrorism. There was also discussion that, and in this context, you would have noticed that one of the agreements that we have concluded with Korea is a MOU on it's on transnational crime and terrorism. So that is one step which has been taken, and that that MOU has been signed today. So there is movement and there is the solidarity expressed with India on the fight against terrorism. भारत और दक्षिण कोरिया ने आपसी संबंधों और भविष्य के रोड मैप पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को 50 बिलियन डॉलर्स करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मून जेन हैड द अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द एंटायर गैमट ऑफ द रिलेशनशिप। दे लेड डाउन द रोड मैप फॉर द फ्यूचर एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन अ शेयर्ड विजन ऑफ पीपल, peace and prosperity for the future. As far as economic cooperation is concerned, you would know that our bilateral trade is 21 billion two ways, and the target that has been set is 50 billion by the year 2030. The whole focus is on seeing how we can push this target. As you know, we have ongoing negotiations on a CICA review and its upgradation. So those discussions will go on and would be a very important negotiation between our two countries. As far as our flagship programs are concerned, Made in India, Korea is very strongly behind the Make in India, and they have invested already. And in today's discussion, there were further interest in Make in India and other areas. इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में नई तकनीकें अहम भूमिका निभा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने ये बातें कहीं। लोगों से सामाजिक कार्यों में भी योगदान देने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वर्ण भारत ट्रस्ट शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहा है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में शुक्रवार को स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 18वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के विचार की तारीफ करते हुए कहा कि ये महात्मा गांधी के बैक टू विलेज के सपने को साकार करने में जुटा है। गांधी जी हैड स्पोकन ऑफ द नीड टू डेवलप विलेजेस विद एमेनिटीज appropriate for a dignified and simple but prosperous life. In this regard, and in our endeavor to enhance the quality and dignity of life and work for those of our people who reside in villages and toil on farms, technology can be a great enabler. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ समाज से हासिल करते हैं उसे वापस भी करें। Wherever you are, please always have a mindset to give back to the society in whatever manner and whatever way you can afford to give to the underprivileged students, underprivileged people, poor people, those who are in need. I am glad to learn that the Swarn Bharat Trust too emphasizes the use of science and technology and of innovation in helping rural communities. I am confident that with the blessings of our Vice President, this noble work will continue. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कौशल विकास और कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण भारत ट्रस्ट जुटा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जोर महिला सशक्तिकरण पर दिया जाता है। सेकेंडरी अदर एरिया ट्रस्ट हैज बीन इंपोर्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इन अपग्रेडेशन ऑफ देयर स्किल, एजुकेटिंग द फार्मर्स ऑन न्यू फार्मिंग टेक्निक्स एंड कल्टीवेटिंग ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स and training the artisans to be self-employed are part of the wide range of activities the trust is undertaking. Shiksha aur samskruti deke
बाद में कलेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा उनको नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्टल में भर्ती करवाना, ये भी एक काम है, इसको कहते हैं ब्रिज स्कूल। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार और हुनरमंद बनाने के लिए ट्रस्ट कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। ब्रिज स्कूल के जरिए स्कूल छोड़ चुके या गरीब लोगों के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही किसानों की बेहतरी के लिए भी ट्रस्ट उल्लेखनीय काम कर रहा है। गाइडेड बाय महात्मा गांधीज डिक्टम ऑफ बैक टू विलेजेस एंड हिज प्रोफाउंड व्यू दैट रामराज इज इनकम्प्लीट विदाउट ग्रामराज, द ट्रस्ट हैज बीन वर्किंग रिलेंटलेसली टू एम्पावर एंड अपलिफ्ट द डाउनट्रोडन सेक्शंस बाय इंपार्टिंग एजुकेशन एंड अपग्रेडिंग देयर स्किल्स। नंबर वन ऑब्जेक्टिव इज to empower the woman and also by giving them livelihood skills, that is a major focus of this trust. समारोह से पहले राष्ट्रपति स्वर्ण भारत ट्रस्ट की ओर से संचालित अक्षरा स्कूल गए और वहां चलाई जा रही शिक्षण गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर स्कूल के छात्रों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। 2001 में नेल्लोर में कुछ दोस्तों की मदद से एम वेंकैया नायडू ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ट्रस्ट को फिलहाल उनकी बेटी देखती है। ट्रस्ट के विजयवाड़ा, अमरावती और हैदराबाद में भी चैप्टर हैं, जहां से सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। इधर उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच एजेंसी ने सहारनपुर जिले से जैश ए मोहम्मद के दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें दो दिन के एटीएस के रिमांड पर भेज दिया गया है। यूपी एटीएस ने इन संदिग्धों को देवबंद से कल हिरासत में लिया था, जहां ये लोग छात्र बनकर रह रहे थे, जबकि इन्होंने इलाके के किसी भी शिक्षण संस्थान में दाखिला नहीं लिया हुआ था। आरोप है कि ये संदिग्ध आतंकी इलाके के युवाओं को आतंकी गुट जैश के साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम शहनवाज अहमद और आकिब अहमद मलिक है। इनमें शहनवाज जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है, जबकि आकिब पुलवामा का निवासी है। दोनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है। दोनों के पास से दो हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने लखनऊ में बताया कि खुफिया जानकारी के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई और इन संदिग्धों की निगरानी की गई, जिसके बाद एटीएस विंग ने दोनों संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकियों में से शहनवाज को ग्रेनेड का एक्सपर्ट बताया जा रहा है। इनके कौन और भी साथी हैं, कौन इनके एसोसिएट्स हैं और क्या क्या इनकी एक्टिविटीज रही हैं और कितने लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया है, जिसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस पर भी हम वर्क करेंगे, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी टेरर फंडिंग कौन कर रहा है, सो फंड के बारे में भी हम चाहेंगे कि हमको वो रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनका टारगेट क्या हो सकता था, तो इन सब चीज़ों पर फर्दर हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। और यही कारण है कि मैंने पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर और इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर इनसे फर्दर डिटेल्स लेंगे। वहीं इधर जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज दो आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों को सोपोर के वारपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में अभियान चलाया था, जिसके तहत सोपोर और उसके आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। ये ऑपरेशन कल रात शुरू हुआ था। इलाके में सेना का अभियान अभी भी जारी है और मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जम्मू कश्मीर सरकार की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें जम्मू जेल में बंद 7 पाकिस्तानी आतंकियों को तिहाड़ जेल भेजे जाने का आग्रह किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी आतंकी जेल में बंद स्थानीय कैदियों को गुमराह कर रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि अगर इन 7 पाकिस्तानी आतंकियों को तिहाड़ जेल में भेजना संभव नहीं हो तो उन्हें हरियाणा और पंजाब की दूसरी कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में भेजा जा सकता है। कोर्ट ने इस सारे मामले पर विचार करने की बात कही है। राज्य सरकार के मुताबिक उसे ये भी पता चला है कि कैदियों और दूसरे लोगों को काफ़ी स्थानीय समर्थन प्राप्त है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें आतंक से जुड़ी गतिविधियाँ करने के लिए सूचनाएँ, संसाधन और दूसरी मदद भी मिल रही है।
जम्मू कश्मीर सरकार ने 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी जाहिद फारूक को जम्मू जेल से किसी और जेल में स्थानांतरित करने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। फारूक को 19 मई 2016 को सुरक्षा बलों ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो सीमा पर लगी बाड़ से घुसने की कोशिश कर रहा था। इधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में आसियान देशों से आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में आयोजित चौथे भारत आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अलग अलग देशों के बीच कारोबार को मजबूती से स्थापित करने के लिए शांति और सुरक्षा का माहौल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। वी अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड अवर फ्रेंड्स फ्रॉम आसियान प्रेजेंट इन दिस समिट टू सपोर्ट अवर फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट and terrorist organizations. Friends, an environment of peace and security are prerequisites for trade and commerce to flourish. This summit must acknowledge the fact and ensure that the soil of any country should not be used for propagating terrorism. Pakistan आतंकी funding को रोकने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पेरिस में हुई बैठक के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह जानकारी दी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने यहाँ लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने में नाकाम रहा है। टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को फिलहाल ग्रे सूची में ही रखने का फैसला बरकरार रखा। अक्टूबर तक पाकिस्तान ग्रे सूची में ही रहेगा। FATF ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर अक्टूबर तक पाकिस्तान ने आतंकी फंडिंग रोकने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो उसे ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है। FATF ने पाकिस्तान को चेताया है कि वो आतंकी फंडिंग रोकने के लिए एक्शन प्लान पर काम करे। संस्था ने पाकिस्तान पर यह आरोप भी लगाया है कि जनवरी 2019 तक पाकिस्तान ने इस संबंध में कुछ खास नहीं किया और मई 2019 तक के लक्ष्य को पाने के लिए और एक्शन प्लान पर काम करने में कुताही बरत रहा है। पाकिस्तान को पिछले साल फरवरी में ग्रे लिस्ट की निगरानी सूची में डाला गया था। बैठक में पुलवामा हमले की भी कड़ी निंदा की गई। FATF आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन 1989 में किया गया था। इधर CBI ने ICICI वीडियोकॉन मामले में ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। साथ ही चंदा के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के MD वेणुगोपाल धूत के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद चंदा कोचर समेत तीनों आरोपी बिना बताए देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। इन तीनों के खिलाफ CBI ने पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज किए थे। वीडियोकॉन कंपनी के मुंबई औरंगाबाद स्थित दफ्तरों और दीपक कोचर के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। आरोप है कि वीडियोकॉन के साथ बैंक के लेन देन में चंदा कोचर ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। चंदा कोचर ICICI बैंक की स्वतंत्र जांच में दोषी पाई गई। CBI वीडियोकॉन ग्रुप को ICICI बैंक से 2012 में दिए गए लोन और उसके न्यू पावर रिन्यूएबल्स के साथ लेन देन से जुड़े मामले में कार्रवाई कर रही है। इधर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के अधिकारी 25 फरवरी को भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। ट्विटर ने इसकी जानकारी दी है। PTI के मुताबिक ट्विटर ने बताया है कि उसके पब्लिक पॉलिसी के वैश्विक उपाध्यक्ष कॉलिन क्रोवेल 25 फरवरी को संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। ट्विटर यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर BJP सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में संसदीय समिति ने ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी को समन भेजा था। ट्विटर के प्रवक्ता ने ईमेल से भेजे बयान में कहा कि ट्विटर के लोक नीति विभाग के वैश्विक उपाध्यक्ष कॉलिन क्रोवेल सोमवार को समिति के साथ बैठक करेंगे। और इधर BJP अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले NDA गठबंधन का विस्तार करते हुए नए साथियों को जोड़ने की बात कही है। चेन्नई में BJP के शक्ति और महाशक्ति केंद्रों के करीब 15,000 सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने मौजूदा सहयोगियों को सम्मान देंगे और लोकसभा चुनाव के पहले नए दोस्त लाएंगे और राष्ट्र को एक अच्छी सरकार देंगे।
मित्रों, हमने एनडीए का जो गठबंधन किया है, एनडीए का अलायंस किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीट लड़ने वाली। मैं भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, हम 5 लोकसभा सीट नहीं लड़ने वाले हैं, हम 40 लोकसभा सीट लड़ने के लिए चुनाव के मैदान में। और राजधानी दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय विविध 2019 के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया की राह पर बेहतरीन भूमिका निभाने वाली सरकारी संस्थानों को डिजिटल इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उभरती हुई टेक्नोलॉजी, सर्वश्रेष्ठ मोबाइल ऐप, अच्छी ऑनलाइन सेवा, ओपन डेटा चैंपियन, वेब रत्न मंत्रालय या विभाग जैसी 8 श्रेणियों में दिए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में इंटरनेट ईमेल सेवाओं का आधार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम कैसे कम खर्च में बेहतर साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। टू मेक इंडिया रोबस्ट डिजिटल इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया डज नॉट ओनली ऑफर सर्विसेज, इंडिया ऑल्सो ऑफर्स ए वेरी रोबस्ट कंज्यूमर बेस फॉर पीपल टू डू बिजनेस in the field of IT and IT-enabled services. पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को खेल के मैदान में भी अलग थलग करना चाहता है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ विश्व कप में नहीं खेलने की मांग हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी या नहीं, इस पर BCCI सरकार के साथ बातचीत के बाद फैसला लेगी। BCCI के प्रशासनिक अधिकारियों की समिति की दिल्ली में आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। हमारी बातचीत हुई है, हम गवर्नमेंट से बातचीत करके हम डिसीजन लेंगे। हाँ। अभी उस पे हम अभी कुछ कहना नहीं चाहते। BCCI ने ICC को पत्र लिखकर खिलाड़ियों की सुरक्षा और आतंक को बढ़ावा देने वाले देश के साथ भविष्य में संबंध नहीं रखने को लेकर पत्र लिखने का फैसला लिया है। ICC के 26 फरवरी से 2 मार्च को बैठक होनी है, जिसमें बोर्ड अपनी बात रखेगा। IPL के उद्घाटन समारोह को रद्द कर खर्च होने वाली राशि से शहीदों के परिवारों की मदद करने का फैसला भी लिया गया है। हमारे कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो हम अपने ICC में रखेंगे, दो ICC के दोनों फोरम में रखेंगे, और उसमें ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कंट्री से टेरर एमिनेट कर रहा है उन कंट्रीज को के साथ टाइज वो सेवर किया जाए, ICC सेवर किया जाए, दैट्स नंबर वन। दूसरा डिसीजन ये है कि IPL की ओपनिंग सेरेमनी का जो हमारा खर्चा होता है वो हम टेरर रिलेटेड फैमिलीज को देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए राज्यसभा TV के साथ। नमस्कार।